वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह। खालसा जी, प्यारी साध संगत जी, धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी दे दरबार ते जाके उन्हां अगे नतमस्तक होण दे नाल साडियां अनेक प्रकार दियां बीमारियां, भुल्लां चुक्कां, कीतियां गलतियां, कीता कराया सब कुछ दूर हो जांदा है। पर जरूरी यह है कि तुसी विश्वास भावना एक भावना ना जाओ, तुसी दूजे तीजे पासे कोई ध्यान ना दो, तुसी अपना एक भावना एक मन चित होके करो कि हे परमात्मा, मैं तुहाडे अगे अरदास करन लगा हाँ या लगी हाँ, तुसी मेरे कारज संपूर्ण करने। इस तरह तुहाडे सारे कारज बंदे हुए काम ये पूरे संपूर्ण हो जाएंगे। अज दी जो हड बीती है, जो तुहाडे नाल अज असीं ब्याह करांगे, वो एक भैन दी है। वो भैन कहंदे कि जदों मैं कुंवारी हुंदी सी मैं पाठ करदी सी, ते जदों मैं कुंवारी हुंदी कहंदे पाठ करदी सी, साडे घर विच बहुत बरकत रहिंदी सी, असी बहुत ही वधिया तरह रहिंदे हुंदे सन। कहंदे फिर उस तो बाद कहंदे मेरा विआह हो गया, जदों कहंदे मेरा विआह होया, वधिया घर बार रहण वधिया मिलिया, उन्होंने मैनू कहा कि चलो बेटा तुसी पढ़े लिखे हो, तुसी तुहाडा बाहर दा वीज़ा लगा दिंदे आ, वी तुसी बाहर चल जाओ। कहंदे फिर मैं स्टडी आईलैट्स की, उस तो बाद भैन दसदी है कि मैं आईलैट्स की, मेरे वो 7 बैंड आए, पर कहिंदे पता नहीं यहोजी की कालना हुई कि मेरे ना मतलब बैंड आने के बावजूद भी मेरा वीज़ा नहीं लगता पिया सी, भी कोई किसी ने कुछ यह जहा किया। कहिंदे असी पंडिता को गए, कई पंडिता ने कहा कि तुहाडे विआह टाइम किसी ने कुछ किया है। खालसा जी, असी मनुख जिहड़ा है ना, ये नमक हरामी है मनुख, एक किसी नू फलदा फुलदा देख के कदे नहीं परचदा। जदों किसी दे घर कोई दुख हुंदा है ना, लोका दूसरे घर पक्का खुशी हुंदी है, खुशी दा माहौल हुंदा है कि चल वधिया, उहदे घर दुख है। अजकल दी दुनिया दी रीत ही है, किसी दे घर कोई बीमार हो जाएगा बार बार गुआंढी पुछण आएंगे, हाँ जी जी ठीक है ठीक है। उहनां नू इह हुंदा है कि बुढ़ा या बुढ़ी कदों चढ़ाई करन, कदों इह होवे खत्म। ते कहिंदे कि इह जिहे ना लोकां दी कई डिप्रैशन दा कारण बणिया है कि उहनां दे घर कदी कुछ हुंदा नहीं हैगा, जां उहनां दा कोई कुछ इदां मरदा नहीं, साडे इदां मर जांदे ने, फलाना ढमकाना, एक कर्मां दा गेड़ है खालसा जी। ये नहीं कि जिहड़ा चंगे कर्म करता है, हुण सानू की पता कि असीं पिछले जन्म च किहड़े माड़े कर्म कीते हन, हुण असीं चंगे काम बहुत करदे हाँ। चंगा काम करके जदों असीं कितें कोई मासा दान करके आईए जां किसी नूं कोई माड़ा जिहा टुकड़ा भी दे दईए ना, असीं उह भी गिणदे हाँ कि हाँ जी मैं चंगा काम किया। असीं चंगे काम नूं ना एक पासे गिणना शुरू करदे हाँ, पर जिहड़े असीं माड़े काम करदे हाँ उहनूं असीं गिणदे भी नहीं, तो उहदे बारे असीं सोचदे भी नहीं। माड़े कम्मां दा इह हुंदा है, पर खालसा जी इदां नहीं, माड़े कम्मां नूं ना गिणना चाहीदा कि असीं अज दुनिया दे जिंदगी च होणा, अज पहला दिन है, अज असीं आह माड़ा काम किया है। तो ये खालसा जी, जदों मनुख पैसे इकट्ठे करता है तो उन्होंने कहिंदे पैसे इकट्ठे करता है, तो जो वो एकदम ही अपने धियां पुत्रां दी ब्याह कर देता है, बाद विच फिर वो अपने धियां पुत्रां दे कारज होर करन लग पैंदा है, कोई प्लाट लै लैंदा है, कोई गड्डी लै लैंदा है। इस करके कहिंदे कि ना लोगों की हाह पै जाती है, जिवें किसी का कोई विआह नहीं होया हुंदा उहदा विआह हो जाता, उस तो बाद दूजे का भी वह विआह करते हैं, फिर जवाक हो जाते, कई वेले जवाकों भी हो जाता हाए उहदा विआह भी हो गया, हाए हजे तां साल क्यों होया सी उहदे घर मुंडा हो गया। कहिंदे इदां करके ना हा जी पा देंदे, लोगों की हाए बहुत बुरी हुंदी है, जदों 10 बंदे रल के हा किसी का बुरा सोचण लग जाए ना, तो समझ लो भी उहदा बुरा जरूर होएगा, क्योंकि जे 10 बंदे अरदास करते हैं ना किसी लई, तो वह अरदास पूरी हो जाती है। तो गुरद्वारा साहिब च जाके असी जदों पाठ करते हाँ, तो असीं पाठ अरदास करते हाँ, उस तो बाद साडी मन्नता पूरी हुंदी है। तो खालसा जी, अज कल दे जमाने च ना कोई किसी का सका नहीं हुंदा, अज कल दे जमाने च सारे किसी की चढ़ाई नहीं देख सकते, सगों की उपर चढ़ा के थल्ले पौड़ी खिंचण वाले हुंदे ने, अपने सके संबंधी ही, जे कोई किसी के घर कोई गल हो जाए। कहिंदे ना वो भैन ना पाठ करन लग गए, कहिंदे फिर विआह तो बाद चलो पाठ छड़ता सीगा उन्होंने, तो कहिंदे कि हुण ना उन्हां दोनों पति पत्नी दे विच भी लड़ाई बहुत रहन लग पई। जदों उन्हां पति पत्नी दे विच लड़ाई रहन लग पई, कहिंदे कि साडे दोनों पति पत्नी च भी बहुत लड़ाई होण लग पई। कहिंदे असीं पहलां बहुत खुश रहिंदे सी, ते हुण कहिंदे कि बाद विच ना इन्ना बुरा हाल होण लग पिया, साडी लड़ाई बिना मतलब तो ही हुंदी रहिंदी सी। कहिंदे असीं गड्डी 'च जाणा करना तां वी असीं लड़ पैणा, माड़ी जी गल तों गुस्से हो जाणा लड़ पैणा। कहिंदे फिर असीं मेरी मम्मी नूं कहा कि असीं किसी पंडित को जाने आ, पंडितां ने साडे कोलों पैसे लैने, 5-5 हज़ार रुपया लै लेना,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਕੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਿਆਈ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ